नमस्कार, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनय सिंह। आपको बता दें कि झारखंड में नौकरी को लेकर फिर से एक बार नई अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें अब थर्ड और फोर्थ ग्रेड यानी कि सी और डी डिवीजन की जो नौकरी होगी वो सिर्फ मिलेगा यहाँ के स्थानीय। इसे लेकर कई प्रकार की कंफ्यूजन है लोगों को। हमें कई व्यूअर ने कहा कि इस कंफ्यूजन को कृपया दूर किया जाए। कंफ्यूजन क्या क्या है आपको बता देते हैं कि क्या ये रोस्टर जेपीएससी और एसएससी की परीक्षा में भी लागू होगी? क्या सचिवालय सहायक की नियुक्ति में ये लागू होगा? क्या जिला अधिकारी यानी कि डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के लिए जो बहाली निकली है उसमें ये लागू होगा? पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें ये लागू होगा? या फिर टीचर से संबंधित जो परीक्षा हुई है उसमें भी ये लागू? हम आपको सारी चीजों का बताएंगे और ये बताएंगे दिक्कतें क्यों आई और किस आधार पर किया गया है। झारखंड सरकार में मंत्री अमर बाउरी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। समिति ने अपने रिपोर्ट में लिखा झारखंड के 13 जिले जो शेड्यूल है वहां तो स्थानीय के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन 11 जिले जो नॉन शेड्यूल है वहां भी अब रिजर्वेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस समय में ये तैयारी की है। हम आपको ये बता दें कि झारखंड में समय बहाली की प्रक्रिया काफी धीमी है और नई नोटिस आने के बाद लगभग आप समझे कि 20,000 नियुक्ति जो चल रही थी अभी वो अब धीरे धीरे रुक जाएगी, मतलब अभी वो नियुक्ति तत्कालिक रूप से नहीं हो पाएगा। हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या समस्या है। झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बना, वहां की स्थिति क्या है? दोनों राज्य में जहां 13 बार स्टेट कमीशन की परीक्षा हो गई है, वहीं झारखंड में ये एग्जाम अभी सिर्फ 5 बार हुई है और छठी एग्जाम पाइपलाइन में। ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या करें, क्योंकि कभी मामला कोर्ट तक चला जाता है, कोर्ट के बाद स्टे आता है। अब देखिए सचिवालय में भी एक नई नोटिफिकेशन होगी और इस मामले पर देखा जाएगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में कौन कौन से पद आते हैं, और इसे लेकर के अब ये एक नया जो आया है टिकट, इसके लिए आधार क्या चुना गया? इसके लिए आधार बनाया गया है नीति आयोग के नए सर्वे को, जिसमें 119 जिला की तहकीकात की गई थी और झारखंड के 18-19 जिले को खराब अवस्था में बांटा गया। और उसमें जो गैर अनुसूचित जिला था 8 वो भी शामिल था। इसलिए ग्रुप सी में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं ये आपको समझाएंगे। ग्रुप डी में आमतौर पर जो होता है वो सफाई कर्मी और प्यून स्तर और एलडीसी को भी ग्रुप डी ही कहते हैं। ग्रुप सी में अपर डिवीजन क्लर्क असिस्टेंट जैसे पद भी ग्रुप सी में आते हैं। यानी कि अब झारखंड में जॉब करने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग और एसएससी के ग्रुप बी और ग्रुप ए की नौकरी ही बची है आम लोगों की। दूसरा सवाल यह रह गया कि स्थानीयता के आधार पर जो डेफिनेशन आया कि 1985 से जो लोग झारखंड में है उन्हें स्थानीय मान लिया जाएगा, लेकिन स्थानीयता की सर्टिफिकेट जिन्हें बाद में दी जा रही है उसमें क्या लिखा रहेगा? कहीं पर अस्थायी प्रमाण पत्र स्थानीयता का बन रहा है और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में अस्थायी प्रमाण मतलब टेम्पररी बनाया जा रहा है। लोगों के लिए ये भी एक उलझन का विषय है। झारखंड की कुल आबादी में अगर देखा जाए तो आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी विकास नहीं होने के कारण यहाँ के 24 जिले में जहां जहां भी आदिवासी है उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली और वह कुछ भी चीजों को सरकारी चीजों को नहीं समझ पाया है। हमने आपको पिछले दिनों पहाड़िया जनजाति के गांव, सब्बर जनजाति के गांव से रिपोर्टिंग की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे झारखंड में विकास धीमा है। और अब ऐसी नई नोटिफिकेशन जब आती है तो सबसे पहले इसका असर पड़ता है बहाली की प्रक्रिया पर। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं आपको कि रेलवे में ग्रुप डी की बहाली निकली है। ग्रुप डी को आपको समझना है कि इसका मतलब होता है सफाई कर्मी और प्यून स्तर के सराधिक के जो कर्मचारी तो जिसको आप चपरासी बोल सकते हैं।
तो ग्रुप डी में ऐसे लोग आते हैं। इसके लिए 1 लाख आवेदन के लिए निकाला गया, 1 लाख पद थे, लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 3 करोड़ लोग अप्लाई किए। अब आप सोचिए कि ऐसे में एक सीट पर लगभग 400 लोगों की दावेदारी बनती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। और इसमें झारखंड में खास करके अगर बहाली ढंग से नहीं होगा, क्योंकि झारखंड बने हुए 18वां साल चल रहा है, तो अगर आप सोचे तो अभी तक 18 जेपीएससी की परीक्षा हो जानी चाहिए, जो सिर्फ 5 हुआ है, छठा पाइपलाइन में है, यानी कि 6th एग्जाम की पीटी तो 2 साल पहले हुई थी, उसका रिजल्ट आया लेकिन मेंस एग्जाम नहीं हुआ, मेंस के बाद फिर से रिजल्ट आया, फिर से एक नई अनुशंसा की गई है रिजल्ट का, कि जिनके 40% मार्क्स से जनरल में और 35% मार्क्स से अदर कास्ट में वो पास कर जाएंगे। लेकिन अब एग्जाम कब होगा, उसके रिजल्ट कब आएंगे, इंटरव्यू होगा, बहाली होगी तब जाकर के 7वीं जेपीएससी निकले, 2018 में होगा या 19 या 20 तक देखना पड़ेगा छात्र छात्राओं। तो काफी निराश है झारखंड के छात्र छात्राएं, और जो कंफ्यूजन थी आप लोगों को कि इसकी प्रभाव किस किस एग्जाम में पड़ेगा, तो आपको बता दें जो ग्रुप ए और बी का एग्जाम है, जैसे आप प्रशासनिक सेवा में जब जाएंगे और असिस्टेंट से ऊपर के पद जो आएंगे उसमें यह प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जितनी भी बहाली पंचायत सचिव स्तर पर हो रही है, राजस्व कर्मचारी के रूप में हो रही है, जिला में हो रही है, सारी चीजों पर इसकी प्रभाव पड़ेगी। और इसके लिए जितनी वैकेंसी की नियुक्ति अभी होने वाली है, लगभग उसमें 2 से 3 महीने का वक्त और एक्स्ट्रा लगता है। हमारे साथ आप बने रहिएगा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।